नमस्कार, मैं उमेश शर्मा दार्जिलिंग के गंगा माया पार्क से। विल गो टू द कागजोरा। कम ऑन। ऑलराइट, सो इट्स 4 AM इन द मॉर्निंग एंड ऐसा कुछ है। इट्स डैम कोल्ड एंड सिर्फ कुत्ते लोग ही भौंक रहे हैं। सो अभी 5 बज चुका है एंड अभी ऐसा कुछ है दिन। सो मेरे साथ आज मैक्सी भी जा रहा है एंड यू नो द स्काई रियली लुक्स डैम ब्यूटीफुल। सो इफ यू डोंट नो मी, इट्स मी अभी राइट बैक विद अनदर वीडियो एंड आज व्लॉगिंग होगा डे 250 में एंड बेसिकली वी आर हेडिंग टुवर्ड चौरस्ता। सो मोटो ब्लॉग तो चौरस्ता तक नहीं करूँगा क्योंकि गोप्रो भी चार्ज करना पड़ेगा एंड just have a look how sexy it looks. I'll catch you up there directly in Chaurasta kyunki sabse pehle isko thoda bahut warm up dena padega and we are getting late, so I'll catch you up there. चौरस्ता आना भी इधर से मैराथन स्टार्ट हो रहा है एंड मुझे जाना है सीधे बस स्टैंड की तरफ। उधर होता हूँ वहाँ पर जी। हाँ काम होगा। तपाईँ यस्तो गर्नु न, यो तिनवटा स्कुटीलाई पठाउनु कि हजुर तिनवटा स्कुटीलाई पठाउनु, जब रेसहरू सबै छोड्छ नि त्यसको पछाडि पछाडि जानु, त्यस्तो गर्नु ल। पछाडिको सुटहरू छ सबै चाहिन्छ नि त। गाडी क्या अभी निकल जाएगा? हाँ अभी निकल जाएगा गाडी। बाइक पे वो जब सब म्याराथन निकल जाएंगे ना फिर बाइक में आना। आप ड्रोन नहीं पड़ेगा? ड्रोन नहीं लेना है, ड्रोन आपका मर्जी। टाइम ड्रोन टाइम रहेगा तो वहाँ पे जाके लेंगे। हाँ वो डैनियल से बात करना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी। डैनियल कहाँ है? डैनियल वहाँ देख रहे हैं आप। लॉन्ग रूट, दैट्स 16 किलोमीटर एंड इट्स द रूट इज चौरस्ता टू गंगा माया एंड दे विल बी बैक टू चौरस्ता अगेन फ्रॉम गंगा माया। ओके प्लीज गेट लाइन अप टू द स्टार्टिंग गेट। It will go from Chaurasta, will go to the Kagjora and will go from Dali Fatak. It will go downhill from Rock Garden. It's like 3 kilometers to the Ganga Maya Park and then we'll get back from the Chaurasta. First things first, I'ma say all the words inside my head. उन लोगों ने नहीं बोला ना, हेलमेट एक्स्ट्रा लगेगा। ऑलराइट, तो 2 लाख के बंदे। Another one, dusra. I'm the master of my sea. Rasta hi aisa hai Darjeeling ka to. Ye rasta hi to hai jisko theek nahi karta. I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few. Marathon search. Marathon search. Ye Rock Garden ki taraf turn. Come on. The mighty Kanchanjunga. बड़े यूट्यूबर का स्ट्रगल। नमस्कार, मैं उमेश शर्मा दार्जिलिंग के गंगा माया पार्क से अभी आपके सामने उपस्थित हूं और मैं इस पार्क के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत बताना चाहता हूं कि ये पार्क बहुत पहले से शुरू हुआ था लेकिन 20 में 2009 में जब यहां पे लैंडस्लाइड वगैरह आया था उस टाइम में एक बार ये बंद हो गया था
लेकिन दोबारा ये फिर चालू हो चुका है अभी। तो यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट हैं वो बहुत इस जगह को पसंद कर रहे हैं, लोग यहाँ पे बहुत सारा आना चाहते हैं। लेकिन अभी क्या है कि लोग कोविड की वजह से और साथ ही जो ड्राइवर लोगों के उनकी वजह से यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो रॉक गार्डन तक आते हैं वहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर नीचे गंगा माया पार्क है। यहाँ पे आप जो देखना चाहेंगे तो यहाँ पे बोटिंग वगैरह है, यहाँ पे बोट वगैरह शुरू हो चुका है और यहाँ पे जो कल्चरल डांस वगैरह है वो भी यहाँ पे आप लोगों को मनोरंजन के लिए मिल जाएगा। म्यूजिक के साथ में वो मनोरंजन आप कर सकते हैं। नीचे चिल्ड्रन पार्क वगैरह ऐसे घूमने के लिए यहाँ पे प्राय 2 किलोमीटर तक का गार्डन है। आप यहाँ दिन भर भी रुक करके आप अपने फैमिली के साथ में आ सकते हैं और यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। और आप लोगों का सब लोगों का हम यहाँ गंगा माया पार्क हम लोग टूरिज्म समिति की तरफ से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आप लोगों का स्वागत करते हैं। आप सभी को हमारा बहुत बहुत वेलकम है, नमस्कार। And my poems were the few that looked at me, touching me, shifting me, feeling me, singing my heartache. I'm the pain, taking my message. I'm the pain, speaking my lesson. You're YouTube, everyone, who is a little bit of a mask. Business. भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो चालक दाजुभाइहरूलाई एउटा सूचना जारी गर्दैछौँ। त्यो के भने 1 तारिकदेखि चाहिँ यहाँनिर हाम्रो गङ्गामाया पार्कको टिकट तपाईँहरूले रकगार्डनमै कटाउनु पर्नेछ। जस्तो जू र एचएमआईमा जसरी एकै ठाउँ कटाउँछ त्यसरी नै रकगार्डन र गङ्गामायाको हामी टिकटहरू रकगार्डनमै दिँदैछौँ। यसले म सम्पूर्ण ड्राइभर दाजुभाइहरूलाई यो निवेदन टक्राउँछु कि तपाईँहरूले आफ्नो पसाउने भाडामा गङ्गामायामा टुरिस्ट लिएर आइदिनु होला। विशेष भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईँहरूले यदि रगडन गङ्गामाया गर्नुभयो भनेदेखि हाम्रो दार्जिलिङमा टुरिस्टहरू 2 डेज 3 नाइट्सको यहाँनिर स्टे गर्नुसक्छ। किनभनेदेखि फर्स्ट डे तपाईँहरूले रगडन गङ्गामाया गर्नुहोस्, लगभग 2-3 बजी तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ। त्यो पछाडि त्यहाँनिर गरिसकेपछि तपाईँहरूले टुरिस्ट लगेर सपिङ गर्नु यताउता छोडिदिनु भयो। नेक्स्ट डे तपाईँहरूले चालक दाजुभाइहरूले टाइगर हिल र साइट सिइङ गर्नुहोस्। त्यो गर्दा चाहिँ तपाईँहरूको 2 दिनको भाडा बढ्छ, साथै होटललाई पनि नाफा हुन्छ। फर्स्ट डे 3 नाइट्स 2 डेजको प्याकेज बनिन्छ र एउटा रकडन र गङ्गामाया चाहिँ एउटा प्याकेजै हो र तपाईँहरूले चाहिँ अवश्य गङ्गामाया ल्याइदिनु हुन्छ म आशा गर्दछु। नमस्कार। र विशेष गरेर कुरा के भन्दाखेरि आज हामी गङ्गामायामा गङ्गामायाको दोकानै फोटोग्राफर र यससँग सम्बन्धित र यो पार्कलाई बचाउँ भन्ने एउटा अभियान लिएर हामीले जतिवटा ग्रुप छ र त्यो ग्रुपले हामीले आजसम्म यो ग्रुप गार्डनको धेरै मेन्टेनेन्समा हामीले हेल्प गर्ने गरेका छौँ। र हामी पूर्ण सम्पूर्ण दार्जिलिङको लागि पनि कुरा के भन्दाखेरि यो पहिला एकदमै प्रसिद्ध पार्क हो गङ्गामाया पार्क भन्ने एउटा दार्जिलिङको निम्ति। यहाँ टुरिस्टहरू आएर एकदमै बेसी खुसी भएर जाने गरेको हो पहिला पनि, तर कालान्तरमा तपाईँको यो प्राकृतिक प्रकोपमा परेर बन्द जस्तो अवस्थामा थियो र अहिले फेरि यसको मेन्टेनेन्स सबै कार्यहरू भइसकेको बापत पनि यहाँनिर सुचारू रूपले चल्नु नसकेको कारण छ। त्यो कारण यो पार्क एउटा ओझलमा परेर गएको छ र यसमा तपाईँहरूलाई धेरैलाई नै जानकारी छैन। विशेष गरेर हाम्रो रिक्वेस्ट कसलाई भन्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ पर्यटन विभागसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ, होटेल ओनर्स, होमस्टे ओनर्स अनि विशेष गरेर ड्राइभर यो ट्याक्सी यो चालक एउटा टुरिज्मको जति पनि सम्बन्धित चालकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यो ज्ञात छैन कि यहाँनिर पार्क यस्तो किसिमले मेन्टेन छ अब र यहाँनिर तपाईँले फुल फेसिलिटीसँग नै पार्कमा सबै कुराहरू पाउनुहुनेछ र यहाँनिर पनि टुरिस्टहरू ल्याइदिनुहोस्। यो गङ्गामायालाई बचाएर राखौँ भन्ने हाम्रो सोच छ। यो सोचलाई अगाडि बढाउनुमा तपाईँहरूको पनि धेरै ठुलो हात छ र तपाईँहरूलाई यही रिक्वेस्ट हामी नम्र निवेदन गर्छौँ र यहाँनिर आएर पहिला जस्तो यसको एउटा गरिमा यसको रमझम फर्काएर ल्याउँ भन्ने हाम्रो अभियान छ र हामीले यसरी नै सबैजना हामी लागि परेका छौँ। धन्यवाद। Right, so just now I will be Gharpochao and this marathon was just related to promoting tourism in Darjeeling. So I hope ki aapko pasand aaya hoga. Zyada kuch detail mein maine to baat nahi kiya kyunki jo association ke log the un logon ne hi diya. So kafi maza aaya and missing guests ke saath bhi mila and kafi acha time spend hua. So this was it for today. If you do like this video, please do hit the subscribe button and make sure you give it a thumbs up. So this is your boy Abhiray signing off for the day and hopefully see you on another video. Boom.